मणिपुर प्रसंग में मोदी सरकार विरोध में आसी अनास्था प्रस्ताव नहीं आज लोकसभा आलोचना हो। अनास्था प्रस्ताव पर आलोचना पूर्व संसद भवन में बीजेपी संसदीय दल बैठक बसी प्रधानमंत्री अध्यक्षतार बैठक चली सेपरी विरोधी इंडिया मेंटर बैठक बसी। मणिपुर प्रसंग में प्रधानमंत्री गृह में बृत्ति रखा विरोधी मैंने बारंबार दावी कर मोदी एपर्यंत बृत्ति रखि ना। ए प्रसंग में 10 तारिख दिन प्रधानमंत्री बृत्ति रखे। आज लोकसभा दिन 12टा बेले अनास्था प्रस्ताव पर आरंभ हो आलोचना। कांग्रेस पक्षर सांसद राहुल गांधी यहाँ मत रखिबे। प्राय 4.5 मास पर गतकाली संसद को फेरी राहुल गांधी आज से कौन मत रखिबे यार रही समस्त नजर। लोकसभा रे बीजेपी आउ एनडीएर संख्या दृष्टि अनास्था प्रस्ताव काट खाइबा एक प्रकार निश्चित। हेले मणिपुर हिंसा प्रसंग में मोदी सरकार को घेरी आछंती विरोधी। 9 वर्ष भितर मोदी सरकार विरोध में यह द्वितीय अनास्था प्रस्ताव। 2018 में तेलुगुदेशम पार्टी एक अनास्था प्रस्ताव आनीथिला जहाँ मोदी सरकार सहजरे विजयी हो जाते। बीजेडी अनास्था प्रस्ताव विरोध में भोट देव बोली पूर्व कही सारी। हम जानते हैं कि दूसरी तरफ संख्या ज्यादा है तभी तो आप सरकार में, परंतु हम अविश्वास प्रस्ताव सरकार गिराने के लिए ही नहीं दिया जाता। अविश्वास प्रस्ताव 6 महीने खासतौर से सरकार के पिछले 4.25 साल के कामकाज पर जो नीतियां इनकी गलत रही हैं, जो इनके गलत आचरण रहे हैं, जिससे देश हित प्रभावित हुआ है, उस पर बोला जाता है। अरे 1 या 2 बार छोड़ दो तो अविश्वास प्रस्ताव कभी तो सरकार गिरी नहीं। और 10यों बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आया, इंदिरा जी के खिलाफ आया। अगर आप अटल जी की सरकार छोड़ते तो मुझे तो नहीं याद पड़ता कि कोई सरकार और गिरी हो, एक आध और। सदन के अंदर नंबर से नहीं बल्कि मुद्दे पे बात होते हैं, यही सदन का परंपरा है। ये सारे परंपरा को टालते हुए कहते हैं कि नंबर्स है, वही तो दिखा रहे हैं हर वक्त। ये बहुमत की बाहुबली की प्रदर्शन हर वक्त होते हैं। तो ये हर चीज पे बहुमत की बाहुबली दिखाना ही इनका फर्ज बनते हैं। लेकिन सदन नंबर्स के नहीं, सदन मुद्दे पे होते हैं। जवाहरलाल नेहरू जब सदन में प्रधानमंत्री रहते थे तो वाजपेयी जी की कितने नंबर्स थी, लेकिन वाजपेयी जी की वह सारे जो मुद्दे पे जब चर्चा समाधित होते हैं, क्योंकि सदन की मतलब ये होते हैं कि हम मुद्दे पे चर्चा करें, नंबर पे नहीं। ये नंबर की घमंडी आज नहीं तो कल इनको टूटेगा। कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए, कम से कम चर्चा तो होगी, कम से कम हमें अवसर मिलेगा कि हम बता सके देश को कि 9 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में देश कैसे आगे बढ़ा है, देश के गरीबों का कल्याण कैसे हुआ है। 27% गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए, गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं चलाई गई, देश में जो चहुमुखी विकास हुआ और आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है और दुनिया की पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में मात्र 9 वर्षों में लाकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत पहुंचा है। ये दिखाता है कि कैसे ईमानदारी से काम करो तो देश आगे बढ़ता है। और आज जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन शुरू होगा तो वैसे ही हमें अवसर मिलेगा देश के सामने अपनी बातें रखने का और देश की जनता को जानने का और एक बार फिर कहने का कि अगली बार फिर मोदी जी ही आएंगे। तीसरी बार जब आएंगे तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनाएंगे।